वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं NS125 के ऊपर, जो कि अभी एक नई लॉन्च करी गई मोटरसाइकिल है बजाज की तरफ से। अब फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियोस मैं ज्यादातर नहीं बनाता हूं, कभी भी नहीं बनाता हूं, लेकिन क्या हो रहा था कि लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा आ रही थी कि आपका रिव्यू चाहिए, आपका रिव्यू। मैंने देखा यूट्यूब पर, मैंने कहा रिव्यू नहीं है क्या, मैंने कहा रिव्यू है। बहुत से लोगों ने रिव्यू कर चुके हैं NS125 का, जिनके सिटीज में लॉकडाउन नहीं होगा, जहां पे केसेस नहीं बढ़ रहे होंगे, उन्होंने रिव्यू कर दिया है। पर मैंने कहा लोग मुझसे क्यों इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो अब मैं डिटेल रिव्यू तो कर नहीं सकता। अब आप लोगों के कहने पे मैं एक फर्स्ट इंप्रेशन का वीडियो लेके आ गया हूं, इसमें थोड़ी बहुत हम जो नॉलेज है वो दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम बजाज की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं इंडियन मार्केट में। बजाज इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उसको इंडियन मार्केट की कंप्लीट नॉलेज है, और बजाज का ये एक स्ट्रेटजी है कि वो एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल लॉन्च करते हैं, बहुत ही शानदार शार्प लुक्स में बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल होती है। इंजन जो है उसमें बहुत अच्छा रहता है, यानी कि अच्छे डिस्प्लेसमेंट का अच्छा पावरफुल इंजन रहता है। अब वो मोटरसाइकिल जब अच्छी सेल होने लगती है मार्केट में, तो अब जो लोग उस मोटरसाइकिल को अफोर्ड नहीं कर सकते, या उस मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस बहुत है, या पेट्रोल ज़्यादा खाती है, इंजन बड़ा है, तो इस वजह से जो लोग उसे नहीं लेना चाहते, बजाज क्या करता है, उन लोगों को टारगेट करता है उसके डिज़ाइन से। अब वो मोटरसाइकिल तो एक महंगे मोटरसाइकिल वाला आपको लुक दे रही है, क्योंकि पता है कि NS200 थोड़ी महंगी मोटरसाइकिल है, 200cc है, काफ़ी सक्सेसफुल मोटरसाइकिल है। अब बजाज को ये बात पता है, बजाज को क्या करना था, उस ऑडियंस को टारगेट करना था जिसको माइलेज चाहिए, छोटा इंजन चाहिए, कम मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन लुक्स बहुत शानदार चाहिए। तो बजाज ने क्या करा कि NS200 के लुक्स उठाए, पहले उसको 160 इंजन दे दिया, लुक्स अच्छी बाइक की उठा ली और इंजन उसमें छोटा दे दिया, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी इंजन की और जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। अब NS160 के बाद NS125 पर आ गया बजाज, जिसमें लुक्स जो है वही NS200 वाले हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रीट फाइटर नेकेड डिजाइन, बहुत ही शानदार एवरग्रीन डिजाइन है, अभी तक ऐसा देखने में उसको नहीं लगता कि वो पुराना हो गया। हाँ, थोड़ा सा उसमें हार्डवेयर और बेहतर होता तो अच्छा लगता, लेकिन फिर भी अभी भी वो एक एवरग्रीन डिजाइन है, और उसी में बजाज ने एक 125cc इंजन दे दिया है। अब 125cc इंजन क्यों भाई, बजाज के पास पल्सर 125 है, NS125 लाने का क्या सेंस है? NS125 लाने का ये सेंस है कि बजाज को ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जिन्हें 125cc चाहिए, यंगस्टर्स हैं, अफोर्ड कर सके उसको, पॉकेट फ्रेंडली मोटरसाइकिल हो, मेंटेनेंस फ्री हो, उन लोगों के लिए NS125 एक परफेक्ट मोटरसाइकिल मैं इस वक्त अभी कह सकता हूं, जब मैंने उसको चलाई नहीं है। अब चलाऊंगा तो मैं और कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा। इंजन के बारे में इसके बात कर लें तो इसमें 124.4cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 2-valve इंजन है, 4 valves हमें इसमें नहीं देखने को मिलते। 125cc में 2 valves काफी रहते हैं चलने के लिए, अच्छी एफिशिएंसी देने के लिए। एयर कूल्ड इंजन है, ऑयल कूलर या लिक्विड कूल्ड हमें इसमें नहीं देखने को मिलता, और DTSI टेक्नोलॉजी हमें इसमें बजाज की देखने को मिल जाती है, जो कि है ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी। इसमें 2 spark plugs देखने को मिलते हैं, वहीं NS200 से कंपेयर करें तो उसमें आपको 3 spark plugs देखने को मिलते हैं। तो कंपनी को कॉस्ट कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। मैक्स पावर ये इंजन 12 PS की प्रोड्यूस करता है, और मैक्स टॉर्क 11 Nm का 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। 5 gear आपको मिल जाते हैं, 125cc में 5 gear बिल्कुल काफी है इंजन को ऑपरेट करने के लिए। अब इंजन की स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताई है, जैसे कि बोर स्ट्रोक नहीं बताया गया है, तो बोर स्ट्रोक की नहीं बताया तो उस वजह से मैं इसको कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं एग्जैक्टली कि ये पल्सर 125 का ये इंजन है या वो जो डिस्कवर 125 में इंजन आता था वो वाला इंजन है। और इस इंजन में जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो आपको इसमें शायद ई कार्बोरेटर देखने को मिलता है, क्योंकि अभी बजाज ने उसको कंप्लीट डिटेल में नहीं रखा है, और क्योंकि कम कॉस्ट है इस मोटरसाइकिल की, पल्सर 125 से ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 5-6 हज़ार रुपए का फर्क है उसके टॉप वेरिएंट से, स्प्लिट सीट सेटअप वाले से। अगर आप NS125 को कंपेयर करते हैं तो NS125 ₹1,03,000-₹4,000 की ऑन रोड प्राइस में देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स इसके पल्सर 125 जितने ही हमें देखने को मिलते हैं, जो कि डिसेंट है, 125cc में अच्छे ज्यादा पावर फिगर्स हैं, और उस प्राइस रेंज में पावर अच्छी कह सकता हूं मैं। अब अगर आप ये NS125 की बैजिंग सुनकर KTM Duke 125 से कंपेयर करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग ही इंजन है, उस इंजन की बनावट अलग है, वो परफॉर्मेंस राइडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, ये इंजन जो है ये एफिशिएंट राइडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, डेली कम्यूटिंग के लिए डिजाइन किया है। ब्रेक्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में फ्रंट डिस्क 240mm की देखने को मिल जाती है, जो कि NS160 में पुराने मॉडल में देखने को मिलती थी, जिसको मैं बहुत क्रिटिसाइज करता था और कहता था कि 160cc में 240mm डिस्क, लेकिन हाँ अब उसमें तो कंपनी ने अपडेट कर दिया और इसमें 240mm में मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ये अच्छी चीज है बिल्कुल। 240mm कॉस्ट इफेक्टिव रखना है, और ब्रेकिंग जो है 240mm भी अच्छी मिल जाएगी। 125cc इंजन है, कोई ज्यादा तेज भागेगा नहीं कि ज्यादा ब्रेकिंग की उसमें जरूरत पड़े। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट टेलीस्कोपिक मिलते हैं, रेयर मोनोशॉक हमें इसमें सस्पेंशन देखने को मिलता है। अब आपका ये सवाल होगा कि इंडिया में हमारे खराब रोड्स हैं, रूरल एरियाज में अगर इस गाड़ी को चलाने तो कैसी रहेगी? रूरल एरियाज में क्या रहता है, कभी कभी रोड नहीं रहता और बहुत ज्यादा ऊंच नीच रहती है रोड में, तो हमें ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए रहती है। इस वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस मैंने जितना देखा अभी स्पेसिफिकेशन के तौर पर देख के 175mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि डिसेंट है ऐसे खराब रोड्स पर इस मोटरसाइकिल से ट्रैवल करने के लिए। वेट की बात करें तो 144kg का कर्व वेट इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि दूसरी 125cc मोटरसाइकिल से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ी सी हैवी वेट ही आपको फील हो सकती है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता कि वेट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अभी चलाई नहीं है मोटरसाइकिल। थोड़ा वेट अच्छा होने की वजह से इसकी हाईवे पर भी स्टेबिल
फंक्शनलिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे थे जो कि आपको अच्छा माइलेज देते, और हाँ माइलेज के बारे में मैंने बात नहीं करी तो वो भी बता देता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि ये 47 से 55 के बीच में आपको माइलेज दे देना चाहिए। पल्सर 125 जितना देती है उससे थोड़ा सा कम देगी ये गाड़ी, क्योंकि ये एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल है, इंजन में जो पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से माइलेज जो है हम थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करें तो बेहतर रहेगा, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। टायर्स जो है लुक्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं बैठेंगे सही, यानी कि थोड़े पतले लगेंगे, पर क्योंकि कंपनी ऐसी मोटरसाइकिल एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन करती है तो उसमें टायर्स जो है हम ज़्यादा अगर मोटे कर देते हैं तो उससे माइलेज भी थोड़ा सा कम हो जाता है मोटरसाइकिल का। अगर किसी को ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो कि पॉकेट फ्रेंडली हो, डिज़ाइन उसका देखने में काफ़ी शार्प हो, अच्छा हो, और पॉकेट फ्रेंडली भी हो, एफिशिएंट हो, माइलेज भी अच्छा दे, और जो पार्ट्स हैं वो भी सस्ते मिल जाएँ, ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजीज़ ना हो, तो ऐसी मोटरसाइकिल आपके लिए बजाज ने लॉन्च कर दी है, और वो है बजाज की पल्सर NS125। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाएं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।